तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि जो कार के टायर्स होते हैं वो आपको कौन से लगवाने चाहिए, कब लगवाने चाहिए, कितने रुपए तक के लगवाने चाहिए और जो टायर्स होते हैं उसमें भी कई सारे टाइप्स आते हैं तो उसमें कौन कौन से लगवाने चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले अपन, जो मैं सबसे पहले एक बात बताता हूं, जब भी आप कभी गाड़ी शोरूम से लेते हैं या सेकंड हैंड कोई भी डीलर साहब गाड़ी लेते हैं तो डिपेंड करता है गाड़ी की रनिंग कितनी है। अगर आप फर्स्ट हैंड गाड़ी लेते हैं तो करीबन जो गाड़ी के टायर्स होते हैं उसकी जो लाइफ होती है वो होती है 50,000 to 60,000 किलोमीटर तक की, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि आपने अभी तक उतने मार्जिन में गाड़ी कितनी चलाई, या तो 50-60,000 तक आप मतलब जो किलोमीटर है वो गाड़ी चला लो, और या फिर दूसरी चीज होती है कि आप जो गाड़ी के जो लाइफ स्पैन होती है, भली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग 50-60,000 किलोमीटर गाड़ी नहीं चला पाते हैं, तो जो दूसरी चीज होती है वो ये होता है कि आप 5 से 6 साल के अंदर अंदर वो जो गाड़ी के आपके जो भी टायर्स हैं उसको रिप्लेस करके दूसरे टायर से चेंज करवा दो। इसलिए क्योंकि जो भी आपकी गाड़ी की रबर होती है वो क्या वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देती है, ऐसे कई सारे क्रैक्स और चीजें ऐसी हो जाती हैं जिससे आपको लगता है, और ऐसे टायर्स के साथ गाड़ी चलाना एक थोड़ा सा रिस्की सौदा हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको गाड़ी का जो मैंने टाइम पीरियड आपको बता दिया, दो में से कोई भी जो चीज जल्दी हो जाए उस समय आप अपनी गाड़ी के टायर बदल दें। दूसरा टाइप ये होता है कि दूसरे टाइप की चीज ये होती है कि गाड़ी में कौन कितने टाइप्स के टायर आते हैं, हमको कौन कौन से टायर्स डलवाने चाहिए। तो भाई जो दूसरे चीज है कि आपको कौन कौन से टाइप के टायर आते हैं, देखिए इंडियन मार्केट में काफी सारे टाइप्स के टायर आते हैं, बट मैं कुछ आपको मेन और इंपॉर्टेंट टायर्स बता देता हूं। एक होता है हाईवे टेरेन। हाईवे टेरेन बेसिकली आते हैं जो आपके कंपनी से शोरूम से लगे हुए आते हैं, वो ऐसे टायर्स होते हैं जो कि आपको हाईवे पे सिटी में थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग, ज्यादा भी नहीं बट थोड़ी बहुत मिनिमम ऑफ रोडिंग चीज होती है। ऑल टेरेन टायर्स, ऑल टेरेन टायर्स का जो ग्रिप होती है, जो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है, वो इतना अच्छे से होता है कि अगर आप उसमें बेसिकली ऑफ रोडिंग थोड़ी बहुत करना चाहें तो वो इजीली कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी इशू नहीं होगा। हाँ मैं ये चीज नहीं आपको बोल रहा हूं कि आप अगर अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवा लेंगे तो आपकी गाड़ी की कैपेबिलिटी 4x4 जितनी हो जाएगी, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ कहीं कहीं आपको वो जो आपके हाईवे टेरेन टायर और ऑल टेरेन टायर में आपको फर्क इजीली पता चलेगा। तीसरी चीज होती है ऑल टेरेन टायर की, जो ऑल टेरेन टायर होते हैं वो हाईवे टेरेन टायर से थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, ठीक है। ये एक अपनी बात हो गई कि आपको कौन से टायर्स डलवाने चाहिए। अगर आपका बेसिकली सिटी अर्बन एरिया में ज्यादा रनिंग है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप अर्बन टायर डलवा लो जो कि ऑल टेरेन टायर से थोड़े सस्ते भी आते हैं। हाईवे टेरेन टायर ये है कि अगर आपको गांव खेती में जाना रहता है, कि गांव में जाना रहता है, थोड़ी उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का अगर आपको शौक है तो आप ऑल टेरेन टायर उसमें डलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको दो टाइप के टायर बताया, ऑल टेरेन टायर और हाईवे टेरेन टायर, यही बेसिकली ज्यादातर इंडियन मार्केट्स में यूज होते हैं, इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है। तीसरे चौथे और भी बहुत सारे टाइप्स के टायर हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जो एक आते हैं आपके हाई प्रोफाइल टायर, ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं एक लो प्रोफाइल टायर, एक आते हैं आपके परफॉर्मेंस टायर, और बहुत सारे टाइप्स के टायर आते हैं जिनको अगर आपका गाड़ी का टायर पंचर भी हो जाता है तो वो एकदम उसकी हवा नहीं निकलती, धीरे 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 करके निकलती है, जो कि आप प्रीमियम ब्रांड्स में देख पाते हैं सारी चीजें। चौथी इसमें बात आती है कि टायर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके ट्यूबलेस टायर और एक होते हैं आपके ट्यूब वाले टायर। आज भी जो पुराने टाइप की गाड़ियां हैं, ठीक है, जैसे मैं भी ऑल्टो में बैठा हुआ हूं तो ऑल्टो में अभी अपन में ट्यूब वाले टायर डले हुए हैं, ठीक है। ट्यूबलेस टायर का जो आजकल चलन चल गया है वो बेसिकली इसलिए चल गया क्योंकि वो गाड़ी में एकदम कभी भी गाड़ी, जैसे अगर आपने मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखा हो तो बहुत सारे लोग को पता होगा, हालांकि वो चीज मैं शूट नहीं कर पाया था क्योंकि नॉर्मल ड्राइव कर रहा था मैं, हमारी गाड़ी का जो टायर था वो एकदम से ब्लास्ट हो गया था, ठीक है, फट गया था गाड़ी का टायर, और उसके बाद गाड़ी एकदम डगमगाई नहीं, ठीक है, क्योंकि यही बेनिफिट होता है आपके ट्यूबलेस टायर का, गाड़ी एकदम डगमगाई नहीं, बस एकदम आया और एकदम कभी गाड़ी डिसबैलेंस भी नहीं, नॉर्मली चल रही थी बट वो आवाज हमने अपनी गाड़ी रोक दी थी। अगर यहीं पे आपका ट्यूब वाला टायर होता है, ट्यूब वाले टायर में बहुत ज्यादा इशू होता है, ट्यूब वाले टायर में चीज ये होती है कि अगर कल को आपका गाड़ी का टायर फट जाए तो वो गाड़ी बहकने लग जाती है और फिर हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट भी हो जाए, ठीक है। ट्यूब वाला टायर बेसिकली अभी भी पुरानी वाली गाड़ियों में आते हैं और आजकल जितनी भी गाड़ियों में आ रहे ट्यूबलेस टायर ही आ रहे हैं, ट्यूबलेस टायर थोड़े से ट्यूब वाले टायर से एक्सपेंसिव भी होते हैं। कार के टायर के ब्रांड की बात अगर मैं करूं तो कई सारे ब्रांड्स आते हैं, ठीक है। अब मैं उसमें आपको बेसिकली एक एक चीज के बारे में नहीं बताऊंगा, एक एक चीज के बारे में इसलिए मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हर इंसान का अलग अलग बजट होता है, वो एक एक्सटेंट तक अपना जो पैसा है वो खर्च कर सकता है। तो देखो यार, जो सबसे बेस्ट टायर्स होते हैं वो होते हैं मिशलिन हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, ठीक है, योकोहामा हो गए, ये एक बहुत तरीके के बहुत एक्सपेंसिव टायर्स होते हैं और अच्छे टायर्स माने जाते हैं, मतलब अगर आपने एक बार डलवा लिया तो फिर ऐसे ज्यादा कोई इसमें इशू नहीं आता है। बाकी फिर और भी टायर्स होते हैं, मैं कोई इसमें कोई ब्रांड को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे सीएट हो गया, जेके टायर हो गया और दुनिया भर के ब्रांड्स हो गए, आपका बजट आपको कितना अलाउ करता है आप उतना उस टायर पे खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो गाड़ी के टायर पे मार्किंग और इस जो जितने भी सारे नंबर्स होते हैं ये मैं बताता हूँ आपको इसका बेनिफिट क्या होता है और ये क्या नंबर क्या चीज़ को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 145 80 R12, मतलब ये 12 इंची का व्हील है, ठीक है, ये जो ये आप देख रहे हो ना ये 12 इंची है, ये जो इतना आपको दिख रहा है ये 12 इंची है, 145 मतलब इसकी वृत्त बताता है, ये देखो कितना चौड़ा है, ठीक है, और जो होता है 80 ये बताता है।
अगर आपको गाड़ी ऑफ रोडिंग करने का ज़्यादा शौक है, इधर उधर आप गाड़ी कुदा देते हो, तो मेजर आप इसमें एक चीज़ कंसर्न रखना कि जो आपका 80 85 90 तक चले जाए, इसकी चौड़ाई और बढ़ जाएगी, विड्थ और बढ़ जाएगी, तो इजीली आपका जो टायर है कभी कटेगा फटेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ देखोगे आप तो सब चीज़ यहाँ पे लिखी रहती हैं, ठीक है। गाड़ी का जो टायर है कब बनाया हुआ है, कौन से वीक का है, कौन से मंथ का है, सब चीज़। ये ट्यूबलेस टायर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है क्योंकि स्पेयर व्हील है। अब अगर आप गाड़ी के टायर को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, जिसकी आप ग्रिपिंग देखोगे, जो कि हाईवे टेरेन टायर है, इसकी जो आप ग्रिपिंग देखोगे तो उसमें आपको इजीली समझ आ रहा होगा, ठीक है, जो उसके ट्रेंड्स लाइन है और ये जो जितनी भी सारी चीजें हैं जो ये दर्शा रही हैं, जब अगर आपकी ये जो ट्रेंड लाइनें बनना खत्म हो जाए तो ये बिल्कुल समझ जाना कि गाड़ी का टायर का अंत समय आ चुका है। ये जितनी भी दरारें देख रहे हो आप, अगर ये दरारें आने लग जाएं तो समझ जाना, ये तो हालांकि एकदम कोने पे बहुत छोटे मार्जिन पे, अगर ये बड़े मार्जिन पे आ जाए तो जितना जल्दी हो सके इस टायर को या अपने जो भी टायर है उसको चेंज करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको चीज़ समझाई थी कि आप कैसे क्या सारी चीज़ों को देख सकते हो, नंबर क्यों लिखे रहते हैं, ट्यूबलेस और सब चीज़ लिखी रहती है। देखो रेडियल स्टील बेल्टेड रेडियल टायर, ठीक है, सब चीज़ यहाँ पे मेंटेन रहती हैं और लिखी हुई रहती हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई हैं कि आपको टायर को कैसे पता लगाना है, कैसे क्या है, कौन से टायर आपके लिए बेस्ट हैं और गाड़ी के टायर की लाइफ कितनी रहती है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। हो सकता है मैंने वीडियो में अगर कोई चीज़ कवर ना कर पाऊँ तो आप कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर से देता हूँ जितना मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। आप कमेंट कर देना जो भी आपको कोई कमी चीज़ लगी, आपको कुछ पूछना है ये सेकंड हैंड टायर के मार्केट के बारे में, कुछ भी एक्स वजह टायर के इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर देना, ठीक है, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बाय।